प्रदेश भर में अपनी चार सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी डॉक्टर गुरुग्राम को हड़ताल पर रहे। रेवाड़ी में भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर रहे और सरकार को चेतावनी दी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रही, लेकिन ओपीडी सेवाएं पूरे तरह से बंद रही, जिस कारण मरीजों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट बॉडी के महासचिव डॉक्टर अनिल यादव और जिला सचिव डॉक्टर रविंदर ने बताया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग कैडर बनाए जाने, ACP 3 की बजाय 4 करने, SMO के पदों पर सीधी भर्ती न होकर प्रमोशन के आधार पर करने और बॉन्ड पॉलिसी को बदलकर बॉन्ड राशि 1 करोड़ रुपए से 50 लाख रुपए करने की मांग को लेकर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इस दौरान सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के साथ संगठन की कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर एक दिन की कलम छोड़ हड़ताल कर और काले बैज लगाकर अपना विरोध जता चुके हैं, बावजूद उसके सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 दिसंबर से पूरे प्रदेश में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने डॉक्टर अनिल यादव, स्टेट महासचिव हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन से व रविंद्र कुमार, जिला महासचिव HCMS रेवाड़ी से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर रविंद्र है और मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी स्ट्राइक की 4 मांगे हैं, जैसा कि हम पहले भी ब्रीफ कर चुके हैं। पहली मांग हमारी है, एक तो स्पेशलिस्ट कैडर, स्पेशलिस्ट की कमी है, रुक नहीं रहे हैं। हमारा सारा प्रयास ये सिर्फ स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोकने की मंशा है। दूसरा हमारा है, एक तो PG पॉलिसी में एक बॉन्ड है, 1-1 करोड़ के 200 OT देने पड़ते हैं। आप देखिए, सभी मतलब एलिट क्लास से नहीं आते हैं, मिडिल क्लास से भी हैं, लोअर मिडिल क्लास से भी हैं, तो सब अफोर्ड नहीं कर पाते कि 2 करोड़ के बॉन्ड दिए जाएँ। हम चाहते हैं कि ये घटाकर इसको 50 या 25 लाख जो कि पहले था उस पर ले आएँ। तीसरी हमारी डिमांड है हाँ, एक डायरेक्ट SMO की जो रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि फिर हमारे MO जो होते हैं उनकी सीनियरिटी वो लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो MO अपॉइंट होते हैं और MO से ही रिटायर हो जाते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। कितना पुराना चल रहा है ये मांग आपकी? ये मामला हमारा बहुत पुराना है, पर गवर्नमेंट पता नहीं उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि डायरेक्ट SMO ही भर्ती करना चाह रहे हैं, जबकि एलिजिबल हमारे जो लोग हैं SMO की एक लिस्ट भी अभी पेंडिंग है, वो भी नहीं आ रही और डायरेक्ट SMO लगाना चाह रहे हैं। इसकी मंशा क्या है हम नहीं कह सकते इसके बारे में ना। आज की हमारी OPD है, हमने पहले भी सरकार को पेन डाउन करके ना चेताया था, आज भी हमारी यही है कि OPD हमने बंद की है, कैजुअल्टी और पोस्टमार्टम और सारी जो आपातकाल है वो चल रहा है। तो हम यही हैं, बार बार हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि हमारी डिमांड सुना जाए। हम बिल्कुल खुश नहीं हैं स्ट्राइक करके ना, ये हमारी मजबूरी बन गई है और उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी हमारी डिमांड मांग जो हमारी 4 डिमांड्स हैं, 4, 9, 13, 20 ACP की, डायरेक्ट SMO रिक्रूटमेंट बंद किया जाए, स्पेशलिस्ट कैडर जो एसोसिएशन ने सजेशन दिए हैं उसके हिसाब से बनाया जाए, और चौथा है कि बॉन्ड अमाउंट है जो इन सर्विस PG का वो कम कर दिया जाए। तो क्या कुछ अभी वार्ता 4 दिसंबर और 14 दिसंबर को ACS हेल्थ मैडम के साथ मीटिंग हुई थी, और इनमें से जो डायरेक्ट SMO और 4, 9, 13, 20 की जो ACP है उसके लिए सरकार लगभग 3 साल पहले HM साहब और CM साहब स्वीकृति दे चुके हैं। 2 साल पहले हमने एक स्ट्राइक कॉल की थी, जिसमें कि HM साहब ने हमें अम्बाला बुला के कहा था कि आप ना हड़ताल मत करो और आपकी जो मांगे हैं मैं मनवाऊंगा, आपकी जायज़ मांगे हैं। तो हमने HM साहब का मान रखते हुए, वो हमारे मुखिया हैं, और HM साहब पे विश्वास जताते हुए हमने हड़ताल वापस ले ली थी। अभी क्या लगता है? आज उन चीज़ को 2 साल हो गई है, हमने बीच बीच में HM साहब से मिलने भी गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण वो हमारी बात नहीं सुन पाए, कई चीज़ें प्रायोरिटी बदल जाती हैं। एक बार फ्लड आई हुई थी अम्बाला में, एक बार उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, घर में कोई समस्या थी, ऐसे में हम अपनी डिमांड के बारे में बात करें तो वो जायज़ भी नहीं लगता। लेकिन
पिछले एक महीने से हम लगातार ACS से, DG से और HM साहब से मेल के थ्रू या वैसे भी हम मिलते रहे हैं, लेकिन ACS मैडम ने हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि भाई आपकी डिमांड्स पे हम ये कर पाएंगे। हमने रेफरेंस दिया कि 2 साल पहले जो स्टेटस था ना, आज वही का वही स्टेटस है, उसमें कोई अलग चेंज आया नहीं है।